आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। तो बात करते हैं अगली खबर का, जो कि सोयाबीन और तेल से है। तो बता दें कि खाने के तेल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 लाख के लिए कस्टम ड्यूटी, सॉरी माफ कीजिएगा, 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है। ये सेस अभी 5% है। फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद जताई जा रही है। तेलों के आयात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी भी है और पिछले 3 महीनों से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, यानी दर्ज की गई है। वहीं वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना के अनुसार सालाना 20 लाख टन कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी तेल पर वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 में इंपोर्ट टैक्स नहीं लगाया जाएगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने एक ट्वीट में लिखा, यह फैसला उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगा। साथ ही मालूम हो कि सरकार ने तेल की बढ़ती कीमतों के बीच पिछले सप्ताह पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया था। साथ ही इस्पात और प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल होने वाले कुछ कच्चे माल पर आयात शुल्क भी हटाने का निर्णय लिया गया था। सरकार ने ये कदम स्थानीय बाजार में बढ़ती खाने की तेल की कीमतों को कम करने के लिए उठाया है। वहीं सरकार इस शेष का उपयोग खेती बाड़ी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा जुटाने के लिए करती है। वहीं सरकार के पास तेल की कीमतों को कम करने के लिए आयात पर टैक्स हटाना और शेष खत्म करने जैसी सीमित विकल्प है। वहीं बता दें, भारत ने पाम ऑयल और सोयाबीन तेल समेत खाने के ज्यादातर तेलों पर पहले से ही बेस इंपोर्ट टैक्स खत्म कर दिया है। साथ ही जमाखोरी रोकने के लिए भी इन्वेंट्री लिमिट लगा दी है। साथ ही बता दें, रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने के साथ ही ये आगे और बढ़ रही है। वहीं आपको बता दें, हमले के कारण काला सागर क्षेत्र से सूरजमुखी तेल की सप्लाई रुक गई है। भारत अभी खाने के तेल की जरूरत का 60% इंपोर्ट करता है। वहीं केंद्र सरकार के सामने बढ़ती महंगाई को देखते हुए अभी ये सबसे बड़ी चुनौती है। मैं बता दें, अप्रैल में देश में थोक महंगाई 3 दशकों में सबसे ऊपर स्तर पर पहुंच गई है और ये आगे और भी बढ़ती उम्मीद इसकी जताई जा रही है। तो ये थी बड़ी खबरें, और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।